और इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें, जहां पर दो लड़कियां धान बैठाने के लिए खेतों की तरफ गई हुई थी, दोनों लड़कियां लापता हो गई हैं। करीब आधा घंटा से लोग पानी में तलाश कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रावस्ती जनपद के अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। ये पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली के सहनिया गाँव का है, जो कि सिमरी चौराहा के आगे सहनिया गाँव पड़ता है। वहाँ से खबर आ रही है कि 15 साल की जैनब पुत्र मोहरे और निबरी पुत्र पुत्री बाउर दोनों लड़कियां धान बैठाने के लिए बंधे के किनारे गई हुई थी। जानकारी मिली है, करीब आधा घंटा बीत गया है, दोनों लड़कियों का कुछ पता नहीं चल रहा है। संभवतः शायद पानी में डूब गई हैं। आधा घंटा पहले का ये मामला है। आज तारीख है 9 जुलाई 2024। तो आप लोग जुड़े रहिए ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ में। और दोस्तों, आगे का जो वीडियो आपको दिखाऊँगा ये कल शाम का वीडियो है। कल शाम को मैं था नहीं, इसीलिए पूरी खबर आपको बता नहीं पाया। तो कल शाम का हम कुछ आपको पूरी न्यूज़ बताते हैं। पहली बात तो आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद में राप्ती नदी का जलस्तर सामान्य हो गया है, लेकिन बाढ़ का पानी अधिकांश हिस्सों में भरा हुआ है। आइए आपको लेकर चलते हैं नेशनल हाईवे 730 पर इकोना से श्रावस्ती बौद्धस्थली की तरफ, जहाँ पर महामंगोल डेन महामंगोल मंदिर की तरफ कटरा से मथुरा रोड जाने वाले रोड पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये पिठारिया पुल है। पिठारिया पुल से जो चिरैनापुर मोहम्मदपुर राजा जाने का रास्ता है, उस रास्ते पर थोड़ा पानी भरा हुआ है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर एक नाव लगा दी गई है, ताकि अगर कोई फंसा हुआ हो या कोई आना जाना चाहे तो इस नाव से आ जा सकता है। ये पिठारिया पुल मोहम्मदपुर राजा जाने का मार्ग है। 2022 में तो यहाँ पर स्टीमर लगी हुई थी, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा पानी आया नहीं, राप्ती नदी का जलस्तर सामान्य हो गया है। और कल की कई खबरें छूट गई हैं जो हम आपको बता दें। सबसे पहले आपको बता दें कि समगड़ा के पश्चिमी क्योटनपुरवा में जो दो लोग डूबे हुए थे, दोनों लोगों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। पुलिस ने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और एक और बड़ी खबर आपको बतानी है कि पड़ोसी जनपद बलरामपुर के ललिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बीरपुर के मजरा गंगापुर में दो लड़के नैतिक वर्मा और एक लड़का और उसका भाई है, दोनों लड़के कल बाढ़ की पानी में बह गए थे, जिसमें से प्रभु वर्मा की लाश मिली थी, लेकिन नैतिक वर्मा की लाश अभी तक मिल नहीं पाई है। वो सीन हम आपको दिखाते हैं। तो दो भाई डूबे थे, जिसमें से नैतिक पटेल की लाश अभी तक नहीं मिल पाई है। सूचना मिली है कि NDRF की टीमें आई हैं और तलाश करवा रही हैं। बलरामपुर जनपद के ललिया थाना क्षेत्र ये पूरा मामला है, जहाँ पर दो भाई डूबे, जिसमें से प्रभु वर्मा की लाश कल ही मिल गई थी, लेकिन नैतिक वर्मा की तलाश अभी की जा रही है। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि दो भाई इसी बाढ़ के पानी में बह गए, एक भाई की लाश तुरंत मिल गई, एक भाई की आज NDRF की टीमें तलाश करेंगी। पड़ोसी जनपद बलरामपुर के ललिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मथुरा बाजार के पास में बीरपुर पड़ता है, वहां का मजरा है गंगापुर, संदीप वर्मा के लड़के हैं। और आइए आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के बौद्धस्थली कटरा बाजार में, जहाँ पर कटरा बाजार से मथुरा जाने वाले रोड पर चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। तो दोस्तों, श्रावस्ती जनपद में मई और जून के महीने में बहुत ही जमकर बरसात हुई, गर्मी से लोग परेशान हो गए, कई दिनों तक लू चला, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, इतनी तेज़ धूप थी। लोग मना रहे थे कि श्रावस्ती जनपद में खूब जम कर के बरसात हो, और 1 जुलाई से श्रावस्ती में मानसून ने दस्तक दी, और उसके बाद में 1 जुलाई से धीरे धीरे बरसात होने लगी, और 7-8 जुलाई तक श्रावस्ती ज़िले में बाढ़ आ गया। सबसे ज़्यादा तबाही मल्लीपुर इलाके में हुई है, जहां पर सड़कें कट गई है, पुलिया कट गई हैं, कई गांव में पानी भरा हुआ था, और उसके बाद में धीरे धीरे पानी इकोना विकास क्षेत्र के अंदर घुसा, गिलौला विकास क्षेत्र के अंदर घुसा। इकोना और गिलौला में अभी तक बाढ़ का पानी भरा हुआ है। और कटरा बाजार, ये कल का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, 8 जुलाई का शाम का है ये। डेन महामंगोल मंदिर, देश विदेश के बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। बौद्धस्थली श्रावस्ती में सहट महट है, भगवान बुद्ध की धरती है, भगवान बुद्ध की तपोस्थली है। तो भगवान बुद्ध की तपोस्थली सहट महट का ये हाल है कि डेन महामंगोल मंदिर के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ये रास्ता कटरा से मथुरा की तरफ जाता है, आगे राजगढ़ गुलरिया गाँव है जहाँ पर बाढ़ आई हुई है, दूसरी तरफ हुसैन जोत गाँव है, फिर चक्रभंडार गांव है, फिर उस तरफ अभी हम आपको लेकर चलेंगे। तो ये हाल है। तो श्रावस्ती जनपद की कुछ खास खबरें हम आपको बता दें, और ये अभी अभी वीडियो आ रहा है श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत सहनिया गांव से, जहां पर
दो लड़कियां जिनकी उम्र करीब 15 साल और 10 साल है, जैनब पुत्री मोहरे और निबरी पुत्री बाउर, दोनों लड़कियां धान बैठाने के लिए बंधे के नज़दीक गई हुई थी। गांव वालों ने जानकारी दी है कि दोनों लड़कियों का आधा घंटे से कुछ पता नहीं चल रहा है, रास्ते में एक नौखान है। गांव के लोग तलाश में जुटे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, भिनगा कोतवाली के सहनिया गांव से ये खबर आ रही है। 15 साल की जैनब, 10 साल की निबरी दोनों इस वक्त पानी में लापता हो गई हैं। चूँकि सहनिया गाँव में बाढ़ का पानी अभी तक कम नहीं हुआ है, खेतों में धान बैठाने के लिए जा रही थी, ये जानकारी मिली है। पैर फिसलने के कारण दोनों लड़कियां लापता हो गई हैं। गांव के लोग लाठी डंडा लेकर के तलाश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई है। बड़ी खबर है श्रावस्ती से, ये अभी अभी का वीडियो है, आज 9 जुलाई 2024 का सुबह 10 बजे की यह घटना है। तो एक बार हम पूरे श्रावस्ती के घटनाओं के बारे में बता दें दोस्तों। श्रावस्ती में 2 दिन पहले सेमगड़ा इकौना थाना क्षेत्र के सेमगड़ा पश्चिमी कौटनपुरवा में दो लोग रात को रास्ता पार कर रहे थे, जो कि पास में ही तालाब में डूब गए, जिनको एनडीआरएफ की टीम लगा करके तलाश करवाई जा रही थी। 2 दिन बाद दोनों लोगों का शव बरामद कर लिया गया है। एक और कैजुअल्टी हुई है, सिमरी चौराहा के पास में असईपुरवा गाँव पड़ता है, बाढ़ बरसात के चलते वहाँ पर एक महिला को जहरीले सर्प ने डस लिया, महिला की मौत हो गई। और तीसरी खबर आपको पड़ोसी जनपद बलरामपुर के ललिया थाना अंतर्गत वीरपुर के मजरा गंगापुर से बता दें, जहां पर दो भाई प्रभु वर्मा, नैतिक वर्मा और संदीप के ये लड़के हैं, दोनों का पैर फिसलने से वो बाढ़ की पानी में बह गए, जिसमें से प्रभु वर्मा की लाश तुरंत मिल गई थी। नैतिक वर्मा की तलाश आज एनडीआरएफ की टीम लगा करके करवाई जा रही है। ये कैजुअल्टी पूरे श्रावस्ती जनपद में हुई है, बहुत ही भयंकर श्रावस्ती जनपद में बाढ़ आई। फिलहाल आज जानकारी दी गई है कि आज जो है बाढ़ का, जो राप्ती नदी का, जो लक्ष्मणपुर कोठी पर राप्ती नदी का जो जलस्तर है वो सामान्य हो गया है, लेकिन अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे श्रावस्ती बौद्धस्थली होते हुए जनपद बलरामपुर में दाखिल हुआ है, उस क्षेत्र में तहलका मचाएगा। बरसात भी रुक गई है, इसीलिए संभावना जताई जा रही है कि बाढ़ लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं, महाडेन महामंगोल श्रावस्ती का मंदिर है। मैं सीधे लेकर के चलता हूँ, आसपास के इलाके में चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ आई हुई है। राप्ती नदी का जलस्तर अपने सामान्य 127.70 पर पहुंच चुका है। राप्ती बैराज पर राप्ती नदी का जलस्तर सामान्य है, लेकिन जहां जहां जिस गांव में पानी भरा हुआ है वहां पर तो समस्या होगी ही। कटरा बाज़ार से मथुरा जाने वाली रोड पर डेन महामंगोल मंदिर के पास का ये दृश्य आप देख रहे हैं। कल शाम 8 जुलाई 2024 शाम को 4 बजे का 5 बजे का ये दृश्य है, जब इतना पानी कटरा बाज़ार में भर गया और कटरा बाज़ार से मथुरा जाने वाला मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया। संभवतः आज भी पानी कम नहीं हुआ होगा, इस रास्ते से यात्रा बिल्कुल ना करें आप लोग। कई लोग जान जोखिम में डालकर यहां से गुजर रहे थे, जिनको हमारे द्वारा समझाया गया है। और अभी हम आपको दिखाते हैं, सीधा महामंगोल मंदिर के सामने चलते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं। 2022 की बाढ़ में तो इससे ज़्यादा पानी था, 2024 में मल्लीपुर के पास में जो सड़क कटी है उसके बाद से श्रावस्ती ज़िले का ये हाल हुआ है। पूरे श्रावस्ती जनपद की खबरें हम आपको बता रहे हैं, कुछ वीडियो हमें आज प्राप्त हुआ है और ये वीडियो कल शाम का है। कल हम किसी काम से चले गए थे, आपको खबर नहीं बता पाए थे, तो खबर आपको कल की बताते हैं, बौद्धस्थली श्रावस्ती से। और अभी अभी जो अपडेट आई है, आज 9 जुलाई को सहनिया गांव से, जहां पर दो लड़कियां बाढ़ की पानी में लापता हो गई हैं, जिनकी तलाश करवाई जा रही है। सेमगड़ा क्षेत्र से जो दो लोग बाढ़ की पानी में बह गए थे, दोनों लोगों का शव बरामद हो गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पड़ोसी जनपद बलरामपुर में जो दोनों भाई बह गए थे, जिसमें से एक की बॉडी तुरंत मिल गई थी, एक की आज एनडीआरएफ की टीमें तलाश करेंगी। तो ये नज़ारा देखिए आप, डेन महामंगोल मंदिर, यहाँ पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। और श्रावस्ती ज़िले में पानी जो सड़कों पर चल रहा था धीरे धीरे लगभग ख़त्म होने को है। अभी हम आपको श्रावस्ती से सीधा इकौना भिनगा संपर्क मार्ग पर लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि बाढ़ में लोगों का क्या हाल हुआ है।
किस तरीके से लोग सर्वाइव करने के लिए अपना घर बार छोड़कर अपना पशुओं को लेकर के श्रावस्ती भी पहुंचे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं बौद्ध असली श्रावस्ती के कटरा मथुरा बाजार वाली रोड पर खड़ा हूं। मेरे पीछे डेन महामंगोल मंदिर है और आप लोगों को मैंने दिखाया कि कितना पानी इस रास्ते पर भरा हुआ है। यहाँ से मथुरा राप्ती नदी तक पानी ही पानी भरा हुआ है और कुछ लड़के हैं जो हमारे ही श्रावस्ती कटरा बाजार के हैं, जो इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ा दूर पहुंचने के बाद उन लोगों ने देखा कि पानी बहुत ही ज़्यादा है और ये लड़के सभी हमारे समझाने के बाद अब वापस लौट रहे हैं। ये कुछ लड़के हैं जो जबरदस्ती जा रहे थे मथुरा की तरफ, इनको रोका गया है क्योंकि अभी अभी जब बलरामपुर वाली सूचना मिली थी उसके बाद की ये घटना है। इन लड़कों को रोका गया है कि इतना पानी में ये लोग सिर्फ खेल कूद के मकसद से न जाएं, क्योंकि कटरा बाजार में इनका घर है, कोई भी हादसा हो सकता है। मेरे समझाने के बाद लड़के लौट गए हैं, उनको पता है ग्रेट श्रावस्ती न्यूज है, अच्छी बात है कि बात मान गए हैं। तो कटरा बाजार का आप दृश्य देख लीजिए, शायद इतना पानी पहले कभी देखा नहीं गया था। 2022 की बाढ़ में इतना पानी आया था। ये बगल में जो प्राथमिक विद्यालय है कटरा बाजार का, और कटरा बाजार के अधिकांश इलाकों में पानी भरा हुआ है पिछले हिस्सों में, आपको बता दें। और अब यहाँ से हम आपको सीधा लेकर के चलेंगे बौद्धस्थली श्रावस्ती सहेट महेट के रास्ते से, जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि ये जो जेतवन इंटर कॉलेज है, चौधरी राम बिहारी बुद्ध इंटर कॉलेज, इसके पीछे जो पुल है यहाँ से बहुत ही भयंकर पानी चल रहा है। और ये सहेट महेट की तरफ से आप देखिए, यहाँ पर जो हुसैन जोत गांव है उस पूरे गांव में पानी भर चुका है। सुरक्षा की दृष्टि से नाव यहाँ पर मंगाई गई है। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो सहेट महेट का हमारे श्रावस्ती का जो पहाड़ है, वहाँ पर आप देख लीजिए किस तरीके से ये पानी भरा हुआ है। और इस रास्ते से आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से पड़ोसी जनपद बलरामपुर के ललिया थाना से, जोगिया कला और आसपास के गांव से, हमारे यहां पर जो किसान हैं उनके गांव में पानी भर चुका है। तो उन्होंने शरण ली है श्रावस्ती के बौद्धस्थली में। देखिए यहां पर भी पानी पहुंच चुका है। बौद्धस्थली श्रावस्ती सहेट महेट में अंगुलीमाल गुफा के पास में बहुत सारे किसान पड़ोसी जनपद बलरामपुर से अपने मवेशियों को लेकर के पहुँचे हैं। एक दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा, चारों तरफ आपको मवेशी ही मवेशी दिखाई देंगे, अपना सर सामान कपड़ा लत्ता लेकर के अंगुलीमाल गुफा के पास और बगीचे में डेरा डाला है। पड़ोसी जनपद बलरामपुर के ललिया थाना क्षेत्र के जोगिया कला आदि किसानों ने, क्योंकि उधर का जो हाल है बहुत ही बेहाल है। राप्ती नदी मथुरा वाली है जिसने तबाही मचाई हुई है, कई लोग बेघर हो गए हैं। 3-4 दिन से यहाँ पर मवेशियों के साथ अपने रह रहे हैं। इनसे हमने बात की है तो इन्होंने कहा है कि खाना पानी का कोई इंतजाम नहीं है, जब तक बाढ़ का पानी गांव से समाप्त नहीं हो जाता है तब तक ये सभी लोग यहीं पर रहने के लिए मजबूर हैं। इन्होंने जिला प्रशासन श्रावस्ती से गुहार लगाई है कि जब तक हम लोग यहां श्रावस्ती में हैं, यहां का प्रशासन कुछ खाना पानी की व्यवस्था कर दें। बाकी जो पशुओं का चारा है वो तो आप श्रावस्ती का जंगल देख ही रहे हैं, कम से कम ये जंगल आज मुसीबत में इन पशुओं के चरने के काम तो आ रहा है। पड़ोसी जनपद बलरामपुर के ललिया थाना से आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं मवेशी। ये बलरामपुर के लोग हैं जिन्होंने श्रावस्ती के बौद्धस्थली अंगुलीमाल गुफा के पास में शरण ले ली है एक रिफ्यूजी की तरह। पूरे गांव में जब पानी भर गया, इधर अंगुलीमाल गुफा के पीछे बलरामपुर जनपद के जितने गाँव पड़ते हैं वहाँ के किसान भाई हमारे यहाँ पहुँचे हैं, अंगुलीमाल गुफा के पास में डेरा डाल दिया है उन्होंने। 2-3 दिन से यहीं पर रह रहे हैं, बरसात होने लगे तो कोई रास्ता नहीं है सर छिपाने का, मजबूरी में बेवतन होना पड़ रहा है, घर गांव छोड़ना पड़ रहा है। परिवार के लोग यहीं सड़क पर खाना पानी बना रहे हैं। अंगुलीमाल गुफा के पास में देखिए धीरे धीरे उधर जोगिया कला गांव पड़ता है, कई गांव हैं जो अंगुलीमाल गुफा के पीछे पड़ता है, वहां से धीरे धीरे किसान भाई अपना सीधा पानी बांध करके श्रावस्ती में पहुंच रहे हैं। इधर के अधिकांश लोग जो है, जो किसान हैं वो पशुपालन का काम करते हैं, यहां पर बैठे हुए हैं। कुछ बातचीत हमने की है तो इन्होंने बताया है कि अगर यहाँ श्रावस्ती के प्रशासन इनके खाने पीने का इंतज़ाम कर दे तो अच्छी बात है, वरना सीधा पानी बांध कर तो ये लोग लाए ही हैं। अनाज पानी भी बाढ़ में बह गया है, ज़्यादा सामान ला नहीं पाए हैं।
तो श्रावस्ती जनपद में 3 दिन तक लगातार बरसात हुई और उसके बाद बाढ़ आ गई। श्रावस्ती जनपद के अधिकांश हिस्से में बाढ़ ने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई है। थोड़ी छुटपुट घटनाएं हुई हैं, बाकी जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। यही समगड़ा में 2 लोग जो डूबे और इसी बाढ़ बरसात के चलते समरी चौराहा पर एक महिला को जहरीले सर्प ने डसा। फिर पड़ोसी जनपद बलरामपुर में हादसा हुआ और आज सुबह 9 बजे भिंगा कोतवाली के सहनिया गांव में 2 बच्चियां धान बैठाने के लिए शायद गई हुई थी। बंधे के पास में सहनिया गांव में पूरा सहनिया गांव बाढ़ की चपेट में है। कल हमने न्यूज़ में दिखाया भी था, तो वहीं पर दोनों लड़कियां लापता हो गई हैं, जिनकी तलाश में अभी गांव के लोग जुटे हुए हैं। शासन प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है। प्रशासन के लोग संभवतः पहुंचते होंगे, रेस्क्यू की टीमें संभवतः पहुंचती होंगी, क्योंकि जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया था कि हमारे पास और ये बहुत असली श्रावस्ती में जहां पर कई दर्जन मठ मंदिर जो हैं, होटल जो हैं, वो बाढ़ के पानी के चपेट में हैं। कल हमने आपको बताया था कि श्रावस्ती में कई बौद्ध मंदिर, होटल, इंटर कॉलेज, ये सारे बाढ़ के पानी के चपेट में हैं। चूँकि राप्ती नदी का जलस्तर सामान्य हो गया है, संभवतः आज सभी इलाकों से पानी हट जाएगा। जितने भी सड़कों पर श्रावस्ती के पानी चल रहा है, मेरे ख्याल से आज दोपहर तक। और ये मैं आपको लेकर चलता हूँ श्रावस्ती एयरपोर्ट का दृश्य दिखाता हूँ। श्रावस्ती एयरपोर्ट के अगल बगल चार दीवारी के भी पानी भरा हुआ है, लेकिन बाढ़ का पानी यहाँ, बरसात का पानी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। बीच में सड़क है, सड़क के दूसरे तरफ धीरे धीरे पानी भरने लगा है। अगर एक दिन और बरसात हो जाती और राप्ती नदी का जलस्तर अगर खतरे के निशान से पार रहता, तो मेरे ख्याल से ये श्रावस्ती का एयरपोर्ट भी बंद करना पड़ता, जहाँ पर रेगुलर फ्लाइटें उतर रही हैं। श्रावस्ती का एयरपोर्ट सुरक्षित है, अगल बगल गड्ढों में बरसात का पानी भरा हुआ है। दाहिने तरफ मेरे देख सकते हैं, दाहिने तरफ पानी भरा हुआ है और वापसी में बाएं तरफ से आपको डिटेल दिखाते हैं। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हुआ था, जहां पर इस वक्त पानी भरा हुआ है। और यहां से हम लौट कर चलते हैं इकौना से, फिर आपको इकौना भिंगा संपर्क मार्ग का हाल बताते हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इकौना भिंगा संपर्क मार्ग पर कितना पानी है, रास्ता आने जाने लायक है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम आपको सीधा लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। यहाँ से रुक करेंगे हम वापसी में इकौना का, कटरा श्रावस्ती से वापसी इकौना चलेंगे और वापसी इकौना पहुँचे हैं पिटारिया पुल के पास में, जो दाहिने तरफ ये लोहनिया गांव पड़ता है श्रावस्ती का। ये लोहनिया गांव जाने का कोई रास्ता नहीं है, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है कितना पानी है। ये लोहनिया की तरफ पानी भरा हुआ है और ये पिटारिया पुल है, पिटारिया पुल की तरफ पानी भरा हुआ है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने एक नाव की व्यवस्था कर दी है कि यदि कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, किसी को रेस्क्यू करना है, तो लोकल नाव भी है और ज़रूरत पड़ने पर स्टीमर भी आ जाएगी। तो ये पूरा दृश्य अब हम आपको लेकर चलते हैं इकौना भिंगा संपर्क मार्ग पर भामेपारा पुल पर। भामेपारा पुल पर आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा पानी है। इसके आसपास का जो गांव है, भामेपारा लेबुड़वा गांव है और चिचड़ी के पीछे का कुछ गांव है, तो वहां पर पानी पहुंच गया है। यहां पर बहुत ही ज़्यादा पानी है। ये सीधे मल्लीपुर वाला जब सड़क कटी है, उसके बाद से इसमें बाढ़ आई है। ये भामेपारा पुल का दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर गाँव में कुछ लोग फंसे हुए हैं, जिनको लाने के लिए NDRF की टीमें यहां से रवाना हो रही हैं। मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा, NDRF की टीमें रवाना हो रही हैं, पीछे गांव में देखने जा रही हैं कि कोई फंसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर जितना पानी है, ऐसा लगता है कि सैलाब आ गया है। भाम इस गांव के पीछे लेबुड़वा गांव पड़ता है, जहां के किसान अपना पशुओं को लेकर के भामेपारा पुल पर पहुँच गए हैं। उसी के आसपास में पशुओं को बांध दिए हैं, क्योंकि भामेपारा के पीछे जो लेबुड़वा गांव पड़ता है, वो राप्ती नदी के बिल्कुल ही मुहाने पर बसा हुआ है, जहां पर अक्सर बाढ़ आ जाती है। तो लेबुड़वा गांव के लोग यहां पर शरण लिए हुए हैं और ये भामेपारा पुल की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ लोग फंसे हुए हैं, NDRF की टीम उनको लेने के लिए यहां से निकल चुकी है। कल शाम का ये 8 जुलाई का वीडियो है। यहाँ एक नौखान भी है, इसी नौखान में पानी भर गया है। ये पानी सीधे मझुआ, चिरैंधापुर, पतेढ़ा आदि गांव में जाता है।
लेबड़ुआ गांव सबसे आखिरी गांव है यहां का, जहां के लोग शायद घरों में फंसे हुए हैं, जिनको लेने के लिए एनडीआरएफ की टीमें यहां से रवाना हो गई हैं। एक एक घर में पूछ करके रेस्क्यू किया जा रहा है। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि आप देख रहे होंगे कि जितने मवेशी हैं और जितने छुट्टा जानवर हैं, आखिरकार वो खुले क्यों घूम रहे हैं। तो बता दें कि जितने भी गौशाला हैं श्रावस्ती में, सभी गौशालाओं में पानी भर चुका है। तो शासन प्रशासन के निर्देश पर जो गौवंश अंदर गौशाला में संरक्षित किए गए थे, उनको खुला छोड़ दिया गया है। लेकिन इनकी रखवाली के लिए लोगों को लगा दिया गया है कि ये खुले में रहें, अपनी जान बचाएं, बाढ़ के पानी में कोई बीमारी ना होने पाए। लेकिन इनकी रखवाली की जा रही है दोनों तरफ से। ये जिला प्रशासन ने दोनों तरफ से रखवाली करने के लिए लगाया है कि कहीं पर ये भाग ना जाए। जब तक गौशाला में पानी ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक ये छुट्टा मवेशी इसी तरीके से खुले में रहेंगे। इनकी जान बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से ये पहल की गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भाग जाएं, भाग जाएंगे तो इनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और बाद में किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इनको सड़कों पर कर दिया गया है, इनको हरा चारा दिया जा रहा है ताकि ये खुले में विचरण करें और अपनी जान बचाएं। एक तरफ जहां पूरा आम जनमानस परेशान है, तो पशु भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो लगातार इनकी रखवाली की जा रही है दोनों तरफ से, ताकि कहीं पर कुछ बात ना हो जाए। और ये गौवंश जो है, अगर गौशाला में रहते तो अब तक पता नहीं कितनों की मौत हो गई होती। जिला प्रशासन ने, उप जिलाधिकारी ने अपने अपने क्षेत्र में जितने जहाँ गौशाला हैं, सब जगह से उन गौशालाओं से गौवंशों को छुट्टा छोड़ दिया गया है और उनकी रखवाली के लिए रात दिन कर्मचारी लगाए गए हैं। वो ये सुनिश्चित करेंगे कि ये पशु कहीं बाहर नहीं जाने पाए। और अभी हम आपको लेकर चलते हैं भमरी भगवानपुर, इकौना भिनगा संपर्क मार्ग पर भमरी भगवानपुर लेकर चलेंगे। यहाँ पर अभी तक बाढ़ का पानी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज़ गनीमत है कि सड़क के ऊपर अब पानी नहीं चल रहा है। 8 जुलाई की रात को ये देखिए प्राथमिक विद्यालय है भमरी भगवानपुर के पास डूबा हुआ है। हो सकता है कि इसमें पढ़ाई तकरीबन 10-15 दिन तक ना हो पाए, क्योंकि रास्ता ही नहीं है जाने का। और ये बहुत दिनों से समस्या बनी हुई है, जब भी थोड़ा सा बरसात होता है इस विद्यालय का रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि सड़क बहुत ऊंची है, विद्यालय बहुत ऊंचाई पर है। तो अक्सर जुलाई अगस्त के महीने में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुसीबत रहती है। इकौना भिनगा संपर्क मार्ग भमरी भगवानपुर से आगे हम चल रहे हैं, जहाँ पर भमरी भगवानपुर गांव में लेकर चलते हैं। आपको दिखाते हैं कि वहां का क्या नज़ारा है। वहां भी कई घर बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। जो ग्रामीण हैं वो सड़क पर अपना बहुत ही खूबसूरत नज़ारा श्रावस्ती का गैलेक्सी S23 कैमरे से देखिए। आप सूरज देखिए, तो इकौना भिनगा संपर्क मार्ग लगभग क्लियर हो चुका है दोस्तों। सिर्फ जो है महरौली के पास में थोड़ा पानी है, लेकिन इतना ज़्यादा पानी नहीं है कि आप जा ना सकें। हालांकि छोटे बच्चे नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप लोग बाइक लेकर के जा सकते हो। मेरे ख्याल से अब आज कल रात में पानी ख़त्म हो गया होगा और आज मेरे ख्याल से सड़क पर पानी नहीं रहा होगा। भमरी भगवानपुर गाँव में कई घर जो है दाहिने तरफ पानी में डूबे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर अक्सर ये जो जगह नीची है, यहाँ पर पुलिया के बराबर से पानी बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, लेकिन जाने लायक है, कोई खतरे वाली बात नहीं है। दाहिने तरफ भमरी भगवानपुर गांव के कई घर डूबे हुए हैं, लोग सड़क पर अपना शरण लिए हुए हैं। इसके बाद हम सीधे आपको लेकर चलेंगे आंध्रप्रभा पुल पे, और इसके बाद फिर आपको भोजपुर मकनपुरवा तक लेकर चलेंगे और पूरे हालात से आपको रूबरू कराएँगे, ताकि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी ग्रेट श्रावस्ती चैनल से मिलती रहे, कौन सा रास्ता कहाँ। और दोस्तों, मल्लीपुर भिनगा मार्ग वो आवागमन बाधित है, क्योंकि मल्लीपुर भिनगा मार्ग पर तो पूरी रोड ही कट गई है। तो ये हम आपको लेकर पहुँचे हैं महरौली के पास में। अभी महरौली नहीं पहुँचे हैं, अभी भमरी भगवानपुर ही है, और इसके बाद आंध्रपुरवा गांव पड़ेगा और उसके बाद महरौली पड़ेगा, जहाँ हम आपको दिखाएँगे कि सड़क पर कितना पानी है। तो बात करते हैं मल्लीपुर और भिनगा संपर्क मार्ग की। तो मल्लीपुर भिनगा संपर्क मार्ग पर आवागमन बंद है, वो सड़क पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में तिनके की तरह बह गई है। और ये इकौना भिनगा संपर्क मार्ग आंध्रपुरवा राप्ती पुल है, और इस पुल पर आप देखेंगे कि जो गौशाला के मवेशी हैं और जो आसपास छुट्टा मवेशी हैं, सब
जो बाहर घूम रहे थे और जो गौशाला में थे, सारे मवेशी इस पुल के ऊपर शरण लेकर बैठे हुए हैं। यहीं पर इनको हरा चारा दिया जा रहा है। ये जगह सही है कि अगल बगल जा नहीं सकते, अगल बगल नदी है, दोनों तरफ से रखवाली की जा रही है इन छुट्टा पशुओं की। उपजिलाधिकारी के निर्देश पर दोनों तरफ से रखवाली की जा रही है कि ये कहीं भाग न जाएं। इनको हरा चारा दिया जा रहा है। राप्ती नदी में आप बाढ़ का पानी देख लीजिए, जहाँ तक दृश्य दिखाई देता है चारों तरफ पानी ही पानी है। तो इन पशुओं को हरा चारा दिया जा रहा है ताकि, जैसा कि आप जानते हैं, गौशाला में पानी भरा हुआ है। तो दोस्तों, अब आज श्रावस्ती 9 जुलाई की बड़ी खबर आपको बता दें। 9 जुलाई को आज सुबह 10 बजे के करीब में भिनगा कोतवाली के सहनिया गांव में दो किशोरियां राप्ती नदी में डूब गई हैं, जिनकी तलाश करवाई जा रही है। अब अगली खबर हम आपको जो बताएंगे उसी के अपडेट पर बताएंगे कि दोनों किशोरियों का आखिरकार क्या हुआ। गाँव के लोगों ने ये जानकारी दी है, लगभग 1.5 घंटे से दोनों का पता नहीं चल रहा है। बंधा है, बंधे के बगल में नौखान है, वहाँ पर गहरे पानी में जाने से दो किशोरियाँ, जैनब पुत्री मोहरे और निवरी पुत्री बाउर, ये दोनों लड़कियाँ 15 और 10 साल की हैं, ये दोनों किशोरियाँ सहनिया गांव में बंधे के पास से नौखान पड़ता है, नाला पड़ता है, वहीं लापता हो गई हैं। पूरा सहनिया गांव और आसपास का गांव बाढ़ के पानी के चपेट में है। जिला प्रशासन, जिलाधिकारी को इसकी सूचना दे दी गई है। संभवतः मौके पर अब तक पुलिस पहुंच भी गई होगी। तो जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ में। और दोस्तों, बाढ़ श्रावस्ती से लगभग ख़त्म हो चुका है, लेकिन जुलाई का ये पहला हफ्ता है, बरसात का पूरा महीना बाकी है। जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है। 2022 की जो बाढ़ आई थी वो तो अक्टूबर महीने में आ गई थी। तो ये मैं इस रास्ते के बारे में बात कर रहा था, ये महरौली गांव के पास में, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पानी है जिसकी वजह से इकौना भिनगा संपर्क मार्ग बंद करना पड़ा था, लेकिन चूंकि अब ये पानी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, ये पानी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ये पानी की वजह से इकौना भिनगा संपर्क मार्ग को एक रात के लिए बंद किया गया था। अभी भी सड़क पर पानी है, लेकिन आज 9 जुलाई को मेरे ख्याल से ये पानी बिल्कुल ही सड़क से ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि पानी धीरे बह बह करके दूसरे जनपद बलरामपुर में पहुंच करके वहां आतंक मचा रहा है। जनपद बलरामपुर से हम वीडियो मंगवा करके आपको दिखाएंगे। सबसे ज़्यादा विनाश अगर कहीं होगा तो ललिया से उपरा की तरफ होगा, क्योंकि जब भी बाढ़ आता है तो सबसे ज़्यादा विनाश वहीं पर होता है। तो यहाँ पर तकरीबन 100 मीटर पानी सड़क पर चल रहा है, कोना भिनगा संपर्क मार्ग पर महरौली गाँव के पास में, लेकिन मोटरसाइकिल से आने जाने लायक है, जो जवान लोग हैं वो जा सकते हैं, बच्चों के लिए यहाँ पर ख़तरा है।